नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 400 साल प्रकाश पर्व में संबंधी होने वाले समागम यादगारी बनाने लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान के जरूरी विचार करने लिए एकत्रतावान करने का प्रोग्राम उलीका है। दफ्तर श्रोमणी कमेटी तो जारी एक प्रेस बयान में बीबी जगीर कौर ने दसा है कि शब्दावली संबंधी 11 मार्च 2021 माझा के दुआबा खेत्र के मैंबर साहबाना की एकत्रता दफ्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाल में 11 बजे होगी। इसी तरह 13 मार्च में मालवा खेत्र के मैंबर की एकत्रता गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब पटियाला विखे सवेरे 11 बजे सदी गई है। उन्होंने दसाया कि श्रोमणी कमेटी वालों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पर्व में खालसा जाहो जलाल के नाल मनाने लिए इन्होंने एकत्रतावान में वक्त थावों से होने वाले समागम संबंधी विचार चर्चा की जाएगी। बीबी जगीर कौर ने कहा कि माझा के दुआबा के जिले अमृतसर तरन तारण गुरदासपुर पठानकोट कपूरथला हुशियरपुर नवांशहर और जलंधर जिले की एकत्रता श्रोमणी कमेटी दफ्तर अमृतसर विखे होगी, जबकि मालवा खेत्र के संबंधित जिले पटियाला लुधियाना श्री फतेहगढ़ साहब फिरोजपुर फरीदकोट श्री मुक्तसर साहब बठिंडा मोगा संगरूर मानसा रोपड़ बरनला फाजिलका मोहाली की एकत्रता गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब पटियाला विखे होगी। उन्होंने कहा कि शताब्दी समागम यादगारी बनाने लिए मैंबर साहबाना वालों विचार प्राप्त किए जाएंगे। श्रोमणी कमेटी प्रधान बीबी जगीर कौर ने दसा कि श्रोमणी कमेटी वालों नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी मौके मुख्य समागम 1 मई 2021 श्री अमृतसर साहब विखे होगा। इसे समर्पित वक्त वक्त गुरुद्वारा साहबान अंदर श्रोमणी कमेटी वालों पाठ बोध समागम चल रहे हैं, जिन्हों की संपूर्णता मौके गुरमत समागम करवाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम टीवी। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 400 साल प्रकाश पर्व में संबंधी होने वाले समागम यादगारी बनाने लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान के जरूरी विचार करने लिए एकत्रतावान करने का प्रोग्राम उलीका है। दफ्तर श्रोमणी कमेटी तो जारी एक प्रेस बयान में बीबी जगीर कौर ने दसा है कि शब्दावली संबंधी 11 मार्च 2021 माझा के दुआबा खेत्र के मैंबर साहबाना की एकत्रता दफ्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाल में 11 बजे होगी। इसी तरह 13 मार्च में मालवा खेत्र के मैंबर की एकत्रता गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब पटियाला विखे सवेरे 11 बजे सदी गई है। उन्होंने दसाया कि श्रोमणी कमेटी वालों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पर्व में खालसा जाहो जलाल के नाल मनाने लिए इन्होंने एकत्रतावान में वक्त वक्त थावों से होने वाले समागम संबंधी विचार चर्चा की जाएगी। बीबी जगीर कौर ने कहा कि माझा के दुआबा के जिले अमृतसर तरन तारण गुरदासपुर पठानकोट कपूरथला हुशियरपुर नवांशहर और जलंधर जिले की एकत्रता श्रोमणी कमेटी दफ्तर अमृतसर विखे होगी, जबकि मालवा खेत्र के संबंधित जिले पटियाला लुधियाना श्री फतेहगढ़ साहब फिरोजपुर फरीदकोट श्री मुक्तसर साहब बठिंडा मोगा संगरूर मानसा रोपड़ बरनला फाजिलका मोहाली की एकत्रता गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब पटियाला विखे होगी। उन्होंने कहा कि शताब्दी समागम यादगारी बनाने लिए मैंबर साहबाना वालों विचार प्राप्त किए जाएंगे। श्रोमणी कमेटी प्रधान बीबी जगीर कौर ने दसा कि श्रोमणी कमेटी वालों नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी मौके मुख्य समागम 1 मई 2021 श्री अमृतसर साहब विखे होगा। इसे समर्पित वक्त वक्त गुरुद्वारा साहबान अंदर श्रोमणी कमेटी वालों पाठ बोध समागम चल रहे हैं, जिन्हों की संपूर्णता मौके गुरमत समागम करवाई जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम टीवी।